He is the man India knows as the Braveheart's friend. Tonight, he is joining us on this special broadcast on Headlines Today, Avinder Pandey. So far, people hadn't seen your face. They didn't know what you looked like. They'd only heard of you as the friend of the girl all of India came to know. Today, we've seen the verdict being pronounced. हमने देखा कि जज ने बोला कि ये चारों गिल्टी हैं. अब इंतजार हो रहा है जजमेंट का. डाइंग डिक्लेरेशन में ज्योति ने लिखा था कि वो चाहती हैं कि फांसी हो. आपने कोर्टरूम में देखा, क्या आपको लग रहा है कि ज्योति की जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी होगी? हाँ, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो वो चाहती थी वही पूरी होगी, क्योंकि हमने सबने बहुत मेहनत करी है. सबने, सारे उनके जितने भी सबूत थे उनके खिलाफ थे, और सारी चीज़ें होने के बावजूद मतलब ये था कि हाँ, हमें एक न्याय मिलेगा, और यही हम एक्सपेक्टेशन है, और यही मिलेगा भी. हमने ये भी देखा कि मनीष तिवारी ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है अविंदर, उसको अमेंड किया जाएगा. ये आपकी एक बड़ी मांग रही है कि एक्ट को अमेंड करना चाहिए. पनिशमेंट जो हो वो किसी की उम्र के हिसाब से नहीं, उसके क्राइम के हिसाब से होनी चाहिए. क्या आपको राहत मिली इस बात से कि सरकार आखिरकार आपकी मांग पर अब गौर करने को तैयार है? हमारी मांग डे फर्स्ट से, मेरी कई मुलाकात, ये जो हमारे सिस्टम के चाहने वाले लोग हैं जो कानून बना सकते हैं, तो उनसे जब होती थी तो हमारा डिस्कशन होता था, तो हमें बड़े प्रॉमिसेस मिले थे कि हाँ, इसके ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा. लेकिन अब सुनने में आ रहा है, अगर सरकार करती है तो हम बड़े थैंकफुल होंगे कि हमारे केस में ना सही, लेकिन आगे आने वाले केसेस में कुछ ऐसा कर पाएंगे कि जो हमने प्रॉपर उनके लिए कानून होगा, जिनको जैसे क्राइम कर रहे हैं वैसे ही उनको सज़ा मिलेगी. ये बताइए कि जो वायदे किए गए, हमारे रिपोर्टर्स गए उसी स्ट्रेच से, साकेत से उन्होंने अपना रास्ता स्टार्ट किया, मुनिरका तक वो गए, और हमने देखा कि कई सारे जो वायदे किए गए, जीपीएस लगाने के, ऑटो वालों से बात करने की कि वो मीटर के हिसाब से चलेंगे, इसमें से कोई भी वादा अविंदर पूरा नहीं हुआ. आपको कहीं ना कहीं ये जजमेंट आने पर लगता है कि जो तमाम वादे आपसे हुए, दिल्ली की जनता से हुए, भारत के लोगों से हुए, वो पूरे नहीं हुए, लोग भूल गए उनके बारे में, सरकार मुकर गई? कमोबेश यही हो रहा है हमारे साथ. क्या होता है कि हमें जब हमारा इश्यूज बिल्कुल पीक पे होता है, सब लोग मीडिया पे उसका ध्यान रहता है, लोगों का ध्यान रहता है, तो हमें एक एक तरह से एक हम तो छलावा ही कहेंगे कि हमारे पास एक एक कुछ फ़ंड दिए जाते हैं, कुछ फ़ंड मुकर्रर किए जाते हैं, इतना फ़ंड आपकी सेफ्टी के लिए खर्च होगा, या ये फला कानून आपको और ज़्यादा सिक्योर बनाएगा, या फिर ये इस तरह से फोर्सेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं जो आपको दिन रात आपकी सुरक्षा करेंगी, ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे कि आगे उनको जो मुजरिम हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको और जल्दी पकड़ पाएंगे. लेकिन ये सारे अगर आप अभी भी देखें तो हम वहीं खड़े हैं जहाँ पर हम 16 दिसंबर जो हुआ था. इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है. वायदे होते हैं अकॉर्डिंग टू जैसे लोग चाहते हैं, या फिर उससे कम ज़्यादा करके वायदे कर दिए जाते हैं, पेपर पर आ जाते हैं, मीडिया में आ जाते हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं स्केप हो जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे नहीं होता है. तो आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या है, क्योंकि 16 दिसंबर के बाद लगातार आप इन इश्यूज से जूझ रहे हैं, आपके हिसाब से समाधान क्या है? जो वायदे सरकार कर रही है, क्या उसकी नियत में खुट है? अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी अपने संविधान में, अपनी सरकार में पूरा विश्वास है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है, लेकिन कई बार जो प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता एक्चुअली, वो एज ए कॉमन मैन समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता. ये तो शायद वही क्लेरिफाई कर पाएंगे या तो मीडिया में आके, पब्लिक में आके, और या तो किसी भी माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से ही बताएं कि क्या प्रॉब्लम है कि वो आज तक जो हमें एक हमारी सिक्योरिटी के लिए स्टेप्स उन्होंने वायदे किए थे वो अभी तक नहीं हुआ. क्या क्या जो हमें एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, जैसे कि इतने थाने बनने थे, इतनी पुलिस संख्या बढ़ानी थी, और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हमें ये मिलना था कि ये इतने GPS और ये सारी चीज़ें, तो क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सब एक दूसरे को थोपे चले जाते हैं, और हम कहीं ना कहीं उसको भूल जाते हैं, या फिर हमें आदत हो गई है कि चलो ये इनकी आती ऐसी है और अभी क्या करना है. आपका केस, ज्योति का केस, तरीके से देश भर में डिस्कस हुआ, लोगों को लगा कि अगर इस केस के बाद कुछ नहीं बदला तो कभी कुछ नहीं बदलेगा. इतनी चर्चा हुई, इतने लोग सड़कों पर आए, 9 महीने बाद क्या आपको लगता है कि कुछ भी बदला है?
अगर विवेंस के अगेंस्ट जितने क्राइम्स हो रहे हैं, अगर उनकी संख्या में देखा जाए, जो रजिस्ट्रेशन जितने हो रहे हैं FIRs के, अगर वो अगर उसको हम नंबर्स जैसे बढ़े हैं, अगर उसको हम अब एक तरह से अचीवमेंट माने तो ये हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी, क्योंकि रजिस्टर केस ज़्यादा हो रहे हैं, मीडिया उनको दिखा भी रहा है और लोग इस चीज़ पे बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी संख्या कम होनी चाहिए थी, और वो इस तरह से जिस तरह से हमारा पुलिस फोर्स को और मजबूत करना चाहिए था, और ये कहीं ना कहीं हम इसमें पीछे हो रहे हैं, फेल्योर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा कि दिल्ली में केस हुआ जिसमें जुवेनाइल ने एक लड़की का रेप किया, अपनी सजा काटने के बाद उसकी बहन का रेप करने की अब धमकी दे रहा है। मुंबई में जो गैंगरेप हुआ उसमें जुवेनाइल इन्वॉल्व। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये बहस बहुत लंबी हो गई, अब इस बहस को कुछ एक्शन में तब्दील करने की ज़रूरत है और भारत के जो जुवेनाइल एक्ट हैं उसको फ़ौरन बदलने की ज़रूरत है। 100% अब ये अब कह सकते हैं कि अब पानी जो है सर से निकल चुका है, और हमें और जैसे उनके क्राइम्स हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सज़ा भी देनी चाहिए, सो दैट कि एक तरह से इसको हम एक तरह से हमारा लूप होल, कानून का लूप होल बन जाएगा और कई लोग इसके इसमें से निकलते जाएंगे, तो एक तरह से ही हमारी वीकनेस हो जाएगी आपके हिसाब जुवेनाइल। से क्यों हो रहा है? जब ये तस्वीरें आप देखते हैं स्क्रीन पर उन लोगों की, इस वक्त उन्होंने नकाब पहना हुआ है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्योति का रेप किया, उसको मारा। आपके हिसाब से ऐसा क्यों हुआ? इनकी फितरत में क्या था जिसकी वजह से हुआ? और अगर इस सोसाइटल चेंज को अगर लाना है, अगर हमें समाज बदलना है और लोगों की नीयत बदलनी है, उनकी सोच बदलनी है, तो ऐसे कैसे किया जा सकता है? सबसे बड़ा कारण ये था कि जब इन्होंने फर्स्ट टाइम क्राइम कुछ भी किया था तो वो एस्केप कर गए थे, सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये जाके इस केस में जब 16 दिसंबर जब केस था, इनके लिए एक तरह से वो जो भी मतलब उस दिन वो पकड़े गए, ये तो पहले तो बचते आ रहे थे ये, तो जब ये फर्स्ट टाइम इन्होंने क्राइम किया उस टाइम पे अगर ये नहीं पकड़े गए, जैसे कि उनके पास एक खुली एक तरह से एक बड़ा टूल था अपराध करने का, जैसे बस थी जिसका कोई परमिट नहीं था, कुछ नहीं था, और वो चलाए जा रहे थे, एक जिसके पास एक छोटा सा अगर हमारे पास वो होता है मेटल होता है, हम उसे किसी मारते हैं, इनके पास तो पूरी बस थी किसी के ऊपर चढ़ा के कुछ मार के कुछ भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फील करते जा रहे थे अपने हमारे सिस्टम का जो फेल्योर था, लूप होल था, उसी का फ़ायदा उठा के इतना बड़ा क्राइम ये करते जा रहे थे, और उस दिन पकड़े गए। आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल रही है पिछले 9 महीने में, सब सोच ही सकते हैं, लेकिन कोई आपकी ज़िंदगी जी नहीं सकता। ये ज़िंदगी सिर्फ आप जी रहे हैं क्योंकि आप लगातार उस मौके के बारे में सोचते हैं, इतना फोकस आप पर रहता है। आगे चलकर आप क्या प्लान बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, और आगे चल के आप क्या करना चाहते हैं? मैं आगे मेरी फाउंडेशन है मीवा फाउंडेशन, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एक सामाजिक दायित्व है मैं उसको इस तरह से पूरा करूँ, और एक्सपेक्टेशन ये है कि हमारी गवर्नमेंट अब तो जागेगी और हमें एक तरह से हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है उस तरह से सोसाइटी की प्रॉब्लम, चाहे जितनी भी उनको पुलिस के रूप में और कानून के रूप में एक तरह से क्लियर होगा, सो दैट हमें जल्दी न्याय मिल सके या जल्दी हमें पुलिसिंग हमारी थोड़ी सी दुरुस्त हो सके। पद्मजा भी गई थी सड़कों पर, कई लोगों से उन्होंने बातचीत की, खासतौर से इंडिया गेट में। एंड पद्मजा, एट सम सेंस यू नो द फ्रस्ट्रेशन क्रीप्स इन फ्रॉम द फैक्ट दैट द प्रोमिसज दैट वर मेड हैव नॉट बीन केप्ट टू हिम इंडिविजुअली एंड टू द पीपल एंड टू द वुमेन ऑफ दिस कंट्री। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट अमरिंदर, जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं इस केस पर जब इतना फोकस था, जब आप बाहर आए, आपने बताया आप बच गए और आप वहां पे मौजूद थे, तो आपकी टेस्टिमनी इतनी इंपॉर्टेंट थी, इसकी वजह से ये लोग पकड़े गए, और खुद ज्योति की वजह से, क्योंकि उसने एक हफ्ता लड़ा, उसने अपनी टेस्टिमनी दी। पर इस सब के बावजूद फिर भी लोगों का कहना है कि क्या जस्टिस फास्ट ट्रैक जस्टिस था जो इस केस में मिला है? 9 महीने फिर भी लग गए और ये लड़ाई का सिर्फ पहला ही कदम है, इसके बाद भी हर लेवल पर लड़ाई लड़नी होगी इस पूरी फैमिली को। क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक जस्टिस स्पेसिफिकली जो प्रॉमिस थी वो पूरी हुई है? ये तो कहीं से भी फास्ट ट्रैक नहीं लगता, अगर ये अगर इसको अगर 9 महीने में हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगर इसको फास्ट ट्रैक बोल रहे हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि और जो क्राइम्स होते हैं जिनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का, मीडिया का, तो वो कैसे किस ट्रैक पे चल रहे होते हैं, 9 साल हो शायद हम यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 9 साल हो जाते, तो ये हमारे लिए प्रश्न है, ये सबके ऊपर एक प्रश्न है कि कहाँ हम जा रहे हैं और हमें न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है। अगर एक स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, अब जब आप रहते इसी शहर में हैं, शहर में आते जाते रहते हैं,
अब जब आप सड़कों पर निकलते हैं, क्या आपको लगता है इतना गुस्सा था, इतना मूवमेंट हुआ, पर उन्हीं सड़कों पर जब आप चलते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सड़कें बदल गई हैं, ये शहर बदल गया है, लोगों की मानसिकता बदली है, कि कुछ भी बदला है 16 दिसंबर के बाद? मुझे फ्रेंकली मुझे कुछ नहीं बदला हुआ नज़र आता है, मुझे सब कुछ ऐसे ही लगता है। हाँ अगर इंडिविजुअल बदला हो तो हम समझ सकते हैं कि हाँ अगर अब तो उसके अंदर कहीं समझ आई हो कि हाँ अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, अगर वो किसी की पहले हेल्प नहीं करता था अगर अब हेल्प कर रहा है तब बदलाव हम समझ सकते हैं। बाकी अगर हम सिस्टम के रूप में अगर हम बदलाव को देखना चाहें कि हाँ अगर हम तुरंत कॉल करते हैं या फिर तुरंत ये होता है, हम सारे शहरों के, हम एक शहर की बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी वैसा ही है और अभी भी वैसे चलता जा रहा है। अमरिंदर, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जिनको लगता है कि फांसी की सज़ा ज़्यादा कठोर है इस सिचुएशन में? आप फांसी की सज़ा, एक्चुअली बहुत लोग ऐसे बोलते हैं। आप फांसी की जो भी एक कानून की प्रक्रिया होती है उसमें पहले धाराएं लगने के बाद उसे उसमें सज़ा मुकर्रर होती है, तो अब हम उसको कानून पे हमने छोड़ा हुआ है, तो अब जो उन्होंने क्राइम किया हुआ है उसमें एक फांसी की सज़ा ही मैक्सिमम सज़ा होती है, और हम इसे यही इसको एक्सेप्ट करते हैं कि उनको मैक्सिमम सज़ा ही होनी चाहिए थी, और ऐसे क्राइम के लिए शायद इससे बड़ी सज़ा अगर अगर हम दे सकते तो दे वो भी देना चाहिए। आपको लगता है फांसी की सज़ा अगर दी जाती है तो उसे एक मैसेज आएगा बाकी ऐसे लड़कों को कि अगर आपने कभी भी जरूरत की इस तरह का कोई क्राइम करने की तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? एक्चुअली हमारे वहाँ क्या है कि एक टेंडेंसी अभी तक यही बन गई है कि मर्डर करने के बाद भी लोग बड़े ही इजीली छूट जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब इस तरह से होगा कि हाँ अगर हम किसी लेडीज़ को छेड़ते हैं, किसी वीमेन के प्रति हम बुरा नियत रखते हैं और हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल सकती है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसकी रूह कांपेगी और वो 10 बार तो सोचेगा कि हाँ मुझे नहीं करना है ऐसा। क्या सच में आपको लगता है ठीक है अगर फांसी की सजा होती है लोग डरेगा, लोग डरेंगे, एक डर बैठेगा अंदर, पर बहुत कुछ और भी चीजें हैं जिनके बारे में शायद हम आज तक बात भी नहीं करते हैं। कि छोटी सी बात है, जब एक मासूम 5 साल की लड़की, जब उसके साथ यहीं ईस्ट दिल्ली में उसके साथ बलात्कार हुआ था, नेबर्स ने यहां तक का कह दिया कि ये 5 साल की लड़की चिप्स के पैकेट के लिए उस आदमी के साथ चली गई, गलती आखिरकार या तो इसकी है या इसके पेरेंट्स की है। ये सब चीजें फिर भी नहीं बदली हैं, फांसी से क्या ये चीज बदल पाएगी? जब तक ये नहीं बदलेगा तो हमारा देश क्या एक कदम आगे और दो कदम पीछे नहीं ले रहा है? एक्चुअली क्या है कि हम कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको, जैसे कि अब हम उस वही मैंने कहा कि उस एक इंडिविजुअल की भी अपनी चॉइस होती है कि अपराध करे ना करे, अगर हम उसको उसको सब पता होते हुए भी लोग बाग अपराध कर रहे हैं, लोग अपराध कर लेते हैं करते हैं, उनको सज़ा मिलेगी तो नेक्स्ट जो दूसरे दरवाजे पे बैठा हुआ जो वो ऐसा करने की एक बार उसके दिमाग में जहन में आएगा कि हाँ अगर उसने गलती से भी ऐसा किया तो एक्स वाई जेड जैसा मेरे साथ भी हो जाएगा। पर जो पद्मजा सवाल पूछ रही है वो अहम है कि कई मर्तबा हम देखते हैं कि लड़की को ब्लेम किया जाता है कि लड़की लड़के के साथ इतने टाइम पे क्यों निकली थी। मुंबई केस में भी हमने यही देखा, सबने कहा कि वो मिल में क्या कर। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस सोच को भी बदलने की जरूरत है कि लड़कियों के चरित्र पर, उनके कैरेक्टर पर सवाल पूछने के बजाय उन लोगों के बारे में सवाल पूछे जाने चाहिए जो कि इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं? मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम लोग पूछते हैं, हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, और वही हम कह सकते हैं कि उनकी मानसिकता बुरी है या इतनी डेवलप नहीं है या वो मेंटली वीक है, क्योंकि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो शायद वो इस सोसाइटी में नहीं रहता या फिर उसको कुछ और प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सेप्शन ही कह सकते हैं ऐसा, मांस तो कभी भी, मांस तो हमेशा राइट जो है वो इसी के साथ रहता है। चलिए खत्म करने से पहले, जो तमाम लोग इस वक्त आपको इस ब्रॉडकास्ट पर देख रहे हैं, जिन्होंने आपके दर्द को महसूम किया, जिन्होंने महसूस किया, जिन्होंने आपकी कहानी को फॉलो किया लगातार, जिन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि ज्योति के साथ आपके साथ क्या हुआ, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि अगर हमें भारत को और सुरक्षित बनाना है उन तमाम ज्योतियों के लिए तो कहाँ से कदम उठाना चाहिए? सरकार को, व्यूअर्स को और जो लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे लोकतंत्र है, और वहाँ पर लोकतंत्र का मतलब यही नहीं होता कि हम सारी चीज़ें किसी पे ब्लेम करें कि हमें प्रॉब्लम हो रही थी इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, ये प्रॉब्लम हो रही थी इसकी जिम्मेदार पुलिस है, ये प्रॉब्लम हो रही थी इसकी डिपार्टमेंट फला फला वो है डिपार्टमेंट है, तो आपको भी स्टेप लेना पड़ेगा, आपने अपना काम किया है तो दिन आप किसी पर ब्लेम करिए, आपने FIR ही नहीं करी है तो आप कह रहे हो कि पुलिस ने हमारे ये हम क्राइम को ये क्राइम हो गया, आप फर्स्ट टाइम उसने किसी ने उसने देखा होता तो शायद उसको पुलिस के पास जाना चाहिए, और ऐसे ही बनता है जब हम पूरी भागीदारी के साथ अपने समाज सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे
और ये डेवलप शायद कहीं ना कहीं बहुत से रीजंस हैं इसके कि नहीं हो पाया है, धीरे धीरे डेवलप इसको करने की ज़रूरत है, हर माध्यम से सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है, और तभी हम एक 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 सबको साथ लेके जहाँ पे हम कभी किसी को हम उसमें सोसाइटी की भी समान भागीदारी हो, सिस्टम की भी हो, गवर्नमेंट की हो, और हम इस समाज को एक अच्छे आपने अहम बात की, अगली दफ़ा आप देखें किसी को परेशानी में दिक्कत में, ये नहीं कि आप अपनी गाड़ी बढ़ाए चले गए, मुंह फेर के चले गए, आपको खुद अपना दायित्व कम से कम निभाने की कोशिश करनी चाहिए। रविंद्र, यू नो एवरीवन वेटिंग फॉर द वर्डिक्ट, एवरीवन विशेस टू सी दैट द हार्शेस्ट पनिशमेंट इज गिवन टू दीज अटैकर्स फॉर व्हाट दे डिड टू यू, टू ज्योति। लेट्स जस्ट होप दैट द जजेस ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, वी डोंट वॉन्ट टू प्रीएम्प्ट व्हाट दे डू, बट दिस इज अ वर्डिक्ट दैट एवरीवन इज ट्रैकिंग वेरी क्लोजली। वी विश यू ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर इट इज दैट यू डू from here on. Thank you so much for joining us.